टू सुनी मिनी किचन, दिस इज सुनीता गोयल। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरता। ये मेरे किचन गार्डन के फ्रेश एग प्लांट्स हैं। मैंने एग प्लांट्स को वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। एग प्लांट को रोस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें कट लगाऊंगी, जिससे कि जो एग प्लांट है वो अंदर तक अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। मैं एग प्लांट को जो है एयर फ्रायर में रोस्ट करने लगी हूँ। आप इसको जो है स्टोव टॉप पे भी कर सकते हैं और इसको आप ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं। अब मैं जो है एग प्लांट्स पे जो है ये ऑयल लगाने लगी हूँ। ऑयल लगाने से क्या है कि ये तो मैं इसकी जो स्किन है उसको अच्छी तरह पील ऑफ कर सकती हूँ, और दूसरा ये है कि ये पैन पे स्टिक नहीं होगा। अब एग प्लांट्स में जो है कट भी लग चुका है और इसमें अच्छी तरह से ऑयल भी लग चुका है। अब मैं इसको जो है एयर फ्रायर में डालूंगी। एग प्लांट को रोस्ट करने के लिए मैंने जो है नीचे पैन में जो है ये फॉइल लगाया। ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो इट्स अप टू यू। तो अब मैं जो है इसमें दोनों के दोनों एग प्लांट्स लकड़ी लगी हूँ। अगर आपके एग प्लांट्स का साइज़ बड़ा है तो आपको दो बार करना पड़ेगा, लेकिन ये मेरे जो एग प्लांट्स का साइज़ बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं जो है इसको रोस्ट करने के लिए रखने लगी हूँ। अब मैंने देखिए इसको ऑन किया है और इसका मैं जो सबसे पहले रोस्ट का मैं बटन दबाऊंगी और इसको मैं 390 पे कर रही हूँ और इसको मैं जो है रखूँगी 10 मिनट्स के लिए एक साइड। फिर उसके बाद 10 मिनट्स के बाद मैं जो है साइड को फ्लिप करूँगी। तो अब ये हो गया स्टार्ट। अब 10 मिनट हो गए, सो लेट मी ओपन इट। तो देखिए कितने बढ़िया जो है ये रोस्ट हो गए एक साइड से। अब मैं जो है 10 मिनट के लिए फिर इसको फ्लिप करके और दूसरी साइड में 10 मिनट फिर से रोस्ट करती हूँ। अब देखिए मैं इसको जो है मैंने फ्लिप कर दिए, तो अब मैं इसको दोबारा से 10 मिनट्स के लिए रखूँगी। अगेन ऑन, देन रोस्ट, देन 390, देन अगेन फॉर 10 मिनट्स। अब 10 मिनट हो चुके हैं और तो देखिए हमारा जो है एग प्लांट्स कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हो गए। तो बस अब इनको मैं जो है अपनी प्लेट में ट्रांसफ़र करती हूँ। बस देखिए अब मैं जो है इसको इसकी स्किन को जो है मैं पील करती हूँ। देखिए अब मैंने जो है एग प्लांट्स की स्किन को पील ऑफ कर दिया है और देखिए कितना बढ़िया ये रोस्ट हुआ है। तो बस अब हम भरता बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। भरता बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज अनियन जिनको मैंने थिनली स्लाइस किया है, 2 टमाटोज जिनको फाइनली चॉप्ड किया है। अगर आपको जो है रेड टमाटोज मिले तो बहुत अच्छा है बिकॉज गिव्स ए नाइस कलर टू भरता। 1 टीस्पून देगी मिर्च, थोड़ा सा जिंजर है जिसको फाइनली चॉप किया है, 3 ग्रीन चिलीज जो है फाइनली चॉप किया है, एंड 1 होल ड्राई रेड मिर्च है, 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट दैट इज एज पर योर टेस्ट, एंड 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, एंड 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, एंड थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लिया है। अब देखिए हम उसका भरते का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब मैं जो है भरते को जो है हमने जो रोस्ट किया है उसको मैं मैश करती हूँ और अच्छी तरह से हम इसको मैश कर लेंगे और इसका जो है ये मैं हेड जो है हटाने लगी हूँ। अब जो है ये पैन मैंने प्री हीट कर लिया है, तो अब मैं इसमें जो है ऑयल डालूँ। एक मिनट वेट करते हैं जब तक कि ऑयल जो है थोड़ा गर्म होता है। ऑयल अब गर्म हो चुका है और फ्लेम मैंने जो है मीडियम पे रखा है। इसके बाद इसमें ये जाएगी होल रेड मिर्च, नाउ जिंजर, एंड जो मीडियम पे ही रहनी चाहिए जो गैस है। अब इसमें अनियन, आई एम गोइंग टू मिक्स इट, और इसको जो है मैं मीडियम टू लो रखूँगी 5 मिनट के लिए, जिससे कि जो अनियंस हैं वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब जो है 5 मिनट्स हो चुके हैं और हमारे जो अनियन हैं ये जो है गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। नाउ इसमें जाएगा टमाटोज, एंड आई एम गोइंग टू पुट सॉल्ट, जो सॉल्ट है वो टमाटो को थोड़ा गलाएगा, और इसको अब मैं जो है फ्लेम रख रही हूँ मीडियम, और इसको मैं 5 मिनट के लिए जो है पकाऊंगी, जिससे कि जो ऑयल है वो ऊज आउट हो जाए
या अगर ज़्यादा भी लगे तो आई हैव टू सी कि ऑयल जो है इसमें ऊज आउट होना चाहिए। और इसको मैं जो है कवर कर रही हूँ, तो आप जो है देखिए कि बीच में ज़रूर स्टर इसको करते रहिए। अब देखिए हम टमाटोज़ को देखते हैं, तो उसमें जो है टमाटोज़ में देखिए कि सारा ऑयल जो है ऊज आउट हो गया है। अब इसमें जाएंगे ड्राई मसाले, में जाएगी देगी मिर्च, रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिलीज आपकी ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एंड ये ग्रीन कोरिएंडर, इसको अब मैं जो है एक मिनट के लिए मिक्स करती हूँ, जिससे कि मसाले अच्छी तरह से टमाटो में मिक्स हो जाएं। अब मैंने एक मिनट हो गया, इसको अच्छी तरह से मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। अब मैं जो फ्लेम है उसको लो पे करने लगी हूँ, और इसमें अब मैं डालूँगी भत्ता जो हमने रोस्ट किया हुआ है, इसको अब करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स, जिससे कि सारे मसाले हमारे भरते में आ जाएं। अभी से ही जो है बहुत अच्छा इसमें अरोमा आ रहा है भरते की, रोस्टेड भरते की अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब मैं इसको जो है लिड से कवर करके 10 मिनट के लिए जो है मैं लो फ्लेम पे रखूंगी, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप बीच में ज़रूर इसको हिलाते रहिएगा। अब देखिए मैं जो है 10 मिनट्स हो गए हैं, और अब देखते हैं लिड को हटा के, देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। जो फ्लेम है वो मैंने लो पे रखी है, लेकिन डिपेंड करता है आपका जो पैन है उसकी थिकनेस कैसे है, आप उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट देखिए कितना अच्छा इसका कलर है, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि ये मेरे गार्डन के जो हैं एग प्लांट्स हैं। तो लेट अस सी इसका टेस्ट कैसे आता है। ये इसमें जो है अब 1/4 टीस्पून गरम मसाला, मिक्स इट फॉर ए मिनट ऑन ए मीडियम फ्लेम। अब ये जो भरता है बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट, और इसका जो है गर्म मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। बस अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। देखिए हमारा जो है यमी बैंगन का भरता बिल्कुल तैयार है। इसको हम रोटी, नान या पराठा के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन विद अनदर रेसिपी।